वृंदावन जय चौकी क्षेत्र के कस्बा चौमुआ में बीती रात मेडिकल छात्र से हुई लूट का खुलासा कर पुलिस ने 4 लुटेरे गिरफ्तार किए हैं। साथ ही छात्र से लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। छात्र अभय नारायण मिश्रा के अनुसार वह गोंडा का रहने वाला है और BAMS थर्ड ईयर का छात्र है, जो चौमुआ के आम्रपाली कॉलोनी में रहकर छाता स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। रात्रि को वह अपने गांव गोड़ा से लौट रहा था, तभी 10:30 बजे चौमुआ चौराहे पर टेम्पो से उतरकर आम्रपाली कॉलोनी की ओर जा रहा था। जैसे ही वह शराब के ठेके के समीप पहुंचा, वहां मौजूद 4 युवकों ने उसके साथ मारपीट कर उसे बैग छीन लिया। एक DSLR कैमरा, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, करीब 5,000 रुपए और अन्य सामान लूट लिया। पीड़ित ने घटना की सूचना 112 नंबर पर दी, जिसके बाद इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले में तत्परता दिखाते हुए महज कुछ घंटों बाद ही चोरों आरोपियों को फ्लाईओवर के समीप से गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए CO सदर रमेश कुमार तिवारी ने बताया कि पकड़े गए लुटेरे नरेश भीमसेन धीरज और हरिओम कस्बा चौमुआ के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। क्या घटना हुई थी आपको रात? कल मैं अपने घर से गोंडा से आ रहा था और मैं धन्वंतरी मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर का BAMS का छात्र हूँ और मैं मथुरा से आ रहा था। आम्रपाली में रहता हूँ, चौमा में। मैं चौमा चौराहे से उतरा, वहाँ से आम्रपाली में कॉलेज जा रहा था। जाते हुए रास्ते में वहाँ पे शराब का ठेका है, उस ठेके पे पीछे से 4 लोग आए और मेरा सामान वगैरह छीन लिया, जिसमें मेरे पास एक कैरम बोर्ड का कैमरा था, एक एप्पल का आईफोन, एक वीवो का फोन था और करीब 5,000 रुपये आसपास कैश था और स्टेथोस्कोप वगैरह का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी सारी मेडिसिन थी और मेरे पास 2 बैग थे। सारे छीन लिए, उसके बाद में मैं 112 नंबर पर कॉल। किन लोगों ने छीन लिए, कितने लोग थे? 4 लोग थे वो, और फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल किया। इसके बाद में 112 नंबर पर पुलिस आई, उसके बाद चौकी से भी सर आए, मतलब इंचार्ज वगैरह आए। पुलिस ने काफ़ी तक पता से काम किया, फिर 2-3 घंटे के सेक्टर के बाद में चारों आरोपियों को सारा सामान भी बरामद कर लिया है। मैं पुलिस फोर्स को काफ़ी शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने बड़ी तरीके के साथ हमारे सारा सामान बरामद कराया। सर, आज मुलजिम पकड़े गए हैं, किस अपराध में पकड़े गए? ये कल रात लगभग 10:30 बजे ये चौमुहा के पास एक लूट कारित की गई थी, जिसमें एक अभय नारायण मिश्रा सनाप जयप्रकाश मिश्रा, ये गोंडा का रहने वाला था और छाता में धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसमें ये पढ़ रहा था। ये चौमुहा के पास एक कॉलोनी है आम्रपाली, जिसपे ये रह रहा था। ये कल गांव से आया था और चौमुहा के पास इसके साथ 4 लोगों ने लूट कारित किया था, जिसका मुकदमा थाना वृंदावन में पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा लिखते ही तुरंत पुलिस हरकत में आई और ये चारों लुटेरे जो थे, जिसने इस अभय नारायण के साथ लूट कारित किया था, ये नरेश, भीमसेन, धीरज और ये हरिओम, ये चारों चौमुहा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से लूटा गया 100% रिकवरी हुई है, जिसमें लैपटॉप और मोबाइल, कैमरा और 4,000 रुपया पूरा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और इनका जो भी आगे आपराधिक इतिहास है उसको भी पता किया जा रहा है। सर, ये जो चारों पकड़े गए, इससे पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास है? इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।